नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज मैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बना रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें गुणकारी तत्व ढेर सारा होने के साथ साथ हमारे डेली लाइफ में जब घर में कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होता है तो ये हमें बहुत हेल्प करती है एक अच्छी रेसिपी बना के सबको खुश करने में। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मखाने की सब्जी की रेसिपी। तो बनाते हैं मखाने की सब्जी। मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ अपनी क्वांटिटी के अनुसार मखाना लिया है और लिया है 2 टेबलस्पून घी। घी में मखाना डाल के पहले हम मखाने को फ्राई करेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालते हैं मखाना। मीडियम टू लो फ्लेम में हम मखाने को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो मखाने को वेजिटेबल ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करने से मखाने में एक बहुत बढ़िया खुशबू आता है। मखाना बढ़िया सा क्रिस्पी बन गया है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मखाने को हम साइड करके रखते हैं और मखाने की सब्जी बनाने के लिए एक मसाला का प्रिपेयर करेंगे। मसाला प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है। इनमें है 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 3 हरी मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 10-15 काजू। चलिए इन सभी से मसाला का प्रिपेयर करते हैं। मसाला प्रिपेयर करने के लिए पहले कढ़ाई में डालते हैं 2-3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। फिर डालते हैं लौंग और इलायची। इलायची और लौंग भून चुका है, अब डालते हैं प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे काजू। काजू को भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। काजू भी 1 मिनट फ्राई हो चुका है, अब इसमें मिलाएंगे टमाटर और हरी मिर्च। एक पिंच सॉल्ट इसमें हम मिला रहे हैं ताकि टमाटर और प्याज जल्दी गल जाए। प्याज नरम हो चुका है और टमाटर भी गल चुका है, तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और ये मसाला ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, इसे मैंने ग्राइंडर जार में निकाल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून पानी भी मिलाया है। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाले का फाइन पेस्ट बना लिया है, अब चलते हैं मखाने की सब्जी का प्रिपेयर करने के लिए। मखाने की सब्जी का ग्रेवी बनाने के लिए खड़े मसाले में है 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून घी, और सूखे मसाले में है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और यहाँ है ड्राई रोस्ट करके पाउडर किया हुआ कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इन सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं मखाने की सब्जी का ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए पहले घी डालते हैं कढ़ाई में। घी गर्म हो गया है, अब डालते हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले 30 सेकेंड भून चुका है, अब डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें भी हम इसका कच्चा स्मेल जाने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन भून चुका है और इसका कच्चा स्मेल भी चला गया है, अब इसमें मिला रहे हैं हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम बाद में मिलाएंगे।
मसाला जल ना जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी मिला रहे हैं। अब इसमें मिलाएंगे पहले से पेस्ट किया हुआ मसाला। जार में जो मसाला लगा हुआ था उसे भी धो के हम यूज करेंगे, इसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। लो फ्लेम में हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब मिलाते हैं इसमें गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। फिर हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। मसाला भून चुका है, अब इसके ग्रेवी के लिए मिलाते हैं पानी। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आने के बाद इसमें मिलाएंगे पहले से फ्राई किया हुआ मखाना, स्वीट कॉर्न, काजू और ग्रीन पीस। फ्रोजन ग्रीन पीस है ये। अगर आप फ्रेश ग्रीन पीस लेते हैं तो इसे मसाला फ्राई करते वक्त इसे आप मिला लीजिए। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। मखाने की सब्जी में अब हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और चीनी। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून चीनी लिया है। मैंने पेस्ट किया हुआ मसाला में भी नमक मिलाया था, इसलिए आप नमक को टेस्ट करके उसके हिसाब से नमक डालिए। ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा चीनी इसलिए मिलाया है ताकि टेस्ट का बैलेंस ठीक रहे। थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए हम मखाना को ढक के पकने देंगे। मखाने की सब्जी में फाइनल टच देने के लिए इसका फ्लेवर के लिए मिलाएंगे कुछ धनिया पत्ता और ग्रेवी में क्रीमीनेस लाने के लिए मिलाएंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम के जगह दूध का मलाई इकट्ठा करके उसे ग्राइंड करके भी मिला सकते हैं। मखाना ग्रेवी के साथ पकते हुए 2 मिनट हो गया है, अब ढक्कन निकाल लेते हैं। मखाना को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अब हम गैस बंद कर लेंगे और मिलाएंगे धनिया पत्ता और फ्रेश क्रीम। बन गया है मखाने की सब्जी, अब हम इसे सर्व करते हैं। मज़े की ये मखाने की सब्जी मैंने डिश आउट कर लिया है, इसे आप भी घर में बनाइए और रोटी पराठा नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए इसे।